नसरुल्लागंज में स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे हैं। ताजा मामला लाड़कुई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। यहां अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं लेकिन डॉक्टर नदारद रहते हैं। ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से भी कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। लाड़कुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बद इंतजामी को लेकर कांग्रेस के जिला प्रवक्ता गोपाल शर्मा ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में डॉक्टर कैबिन से नदारद नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज मैं आया तो 9 बजे का आया, 11:15 तक डॉक्टर को पता ही नहीं। 11:16 पर डॉक्टर आए और बाटल के लिए ये नल की मोल बुलवाए हम से बाजार से। को गोली लिख के दी थी मेरे को मेडिकल की, 8 गोली 150 रुपये की आई। वो भी हॉस्पिटल से दी आपको? हाँ, हॉस्पिटल से पर्ची लिख ली डॉक्टर ने। तो आपने डॉक्टर से नहीं बोला? डॉक्टर से क्या बोला, डॉक्टर ने लिख दिया कि मेडिकल से ले आओगे। वो पर्चा रखा है मेरे पास अभी भी। सुबह 10:30 बजे जब वहाँ के लोग मरीजों को लेके जाते हैं तो पूरे अस्पताल में ना तो डॉक्टर का पता है ना कोई स्टाफ का पता है। नर्सिंग स्टाफ गायब है, डॉक्टर्स गायब है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई मरीज बहुत ज्यादा क्रिटिकल पोजिशन में पहुंचता है तो सोचने वाली बात है कि ये मानवीयता के साथ किस तरीके के साथ खिलवाड़ होगी। अब मैं वो वीडियो CHMO साहब को पहुँचाया है, मैं देखता हूँ CHMO साहब उस पर क्या संज्ञान लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं।